नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं NMF न्यूज। पंजाब के मोहाली स्टेडियम में एक तरफ जहां क्रिस गेल के छक्कों पर लोग तालियां बरसा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपने शॉट से लोगों को रोमांचित करने वाला ये प्लेयर खुद इमोशनल हो गया। IPL 11 की पहली सेंचुरी लगाने वाले क्रिस गेल ने मैच के बाद अपना दर्द बयान किया। IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा 6 शतक लगाने वाले क्रिस गेल जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने पहुंचे तो अपना दर्द किसी से छुपा नहीं सके। बल्ले से अपने आलोचकों को जवाब देने वाले गेल ने मैच के बाद कहा, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन इसे कोई साबित नहीं कर पाया। मैं पूरी दुनिया घूमा हूं, खेला हूं, सिर्फ इसलिए कि इज्जत मिल सके। विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रिटेन नहीं किया था। वहीं 2 राउंड की नीलामी के बावजूद गेल को किसी फ्रेंचाइजी ने भी नहीं खरीदा था, जिसके बाद किंग्स इलेवन पंजाब सामने आई और वीरेंद्र सहवाग के कहने पर गेल को उनके बेस प्राइस 2 करोड़ में खरीदा गया। क्रिस गेल ने मैच के बाद खुद कहा, वीरेंद्र सहवाग ने मुझे खरीद कर IPL बचा लिया। आपको बता दें कि इससे पहले गेल जब मैदान पर छक्के बरसा रहे थे तभी किंग्स इलेवन पंजाब के मेंटोर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर कहा था, मैंने क्रिस गेल को खरीद कर IPL बचा लिया। सहवाग के इसी ट्वीट को किंग्स इलेवन पंजाब ने रिट्वीट करते हुए लिखा, जैसे हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है, वैसे ही क्रिस गेल की परख सिर्फ वीरूपाजी कर सकते हैं। आपको बता दें कि क्रिस गेल इस सीजन में अब तक 2 मैच खेल चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गेल ने जहां 33 गेंदों पर 63 रन बनाए थे, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 63 गेंदों पर नाबाद 104 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।